हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में वी हैड डिस्कस्ड ऑल सिंगल करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एंड अलोंग विथ इट वन और मोर करेक्ट कैटेगरी, राइट। अब हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करते हैं। लुक एट पैराग्राफ बेस्ट बेटा, इट सेज ए फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए सिक्स इज ऑब्टेंड, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। तो एक्स का वैल्यू अंडरस्टूड है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर। इट सेज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 3। तो क्लियर हो गया कि जो थर्ड आउटकम है दैट इज ए 6। तो यहां पे बच्चा 6 का प्रेजेंस है एंड यहां पे नॉट 6, करेक्ट। तो दिस प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways and 5 ways एंड दिस इज इन 1 way आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 6 क्यूब। आंसर आ गया बच्चे 25/216 डायरेक्ट। इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब एक्स इज 3 प्लस एक्स इज 4 प्लस एक्स इज 5, इन सबको हमें सम अप करना है, राइट। तो इसे भी करने के दो तरीके हैं, या तो हम 1 में से रिमूव कर दें व्हाट वी डू नॉट वांट, एक्स इज 1 एंड एक्स इज 2, इसे रिमूव कर दें, या तो आप सम अप कर ले जो केसेस हमें चाहिए। दो तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके बताती हूँ, क्योंकि ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है वो भी इक्वली सिंपल है, तो इस केस में आपको इस सब्ट्रैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुक एट एक्स इक्वल टू 3, दैट मींस थर्ड टॉस पे 6 आया है एंड फर्स्ट दोनों पे नॉट ए 6। तो बच्चे नॉट ए 6, नॉट ए 6 एंड ए 6, राइट। ये आ गया प्रोबेबिलिटी, और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इज नॉट ए 6, सेकंड इज नॉट ए 6, थर्ड वन इज ए 6, करेक्ट। इसी तरह से आप बता दें एक्स 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नॉट ए 6, नॉट ए 6, मतलब बिगिनिंग के जो 3 टॉसेस है दे आर फेल्योर, मतलब नॉट गेटिंग ए 6 को अगर हम फेल्योर माने ना, सो दे आर फेल्योर्स एंड देन ए सक्सेस, सक्सेस मीन्स गेटिंग ए 6। इस तरह से अगर आप इसे कंटिन्यू करें तो इज इट एन इनफाइनाइट जीपी, यस। और इसका सम हम कितना इजीली लिख सकते हैं, ए विच इज 5 × 5 = 25 अपॉन 6 क्यूब अपॉन 1 - r, r क्या है 5/6 ही तो है, सो 25 अपॉन 6 क्यूब इंटू 1/6। तो इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, बच्चा दिस इज 6 क्यूब 25/36, आप रिमूवल से भी कर सकते थे, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, इट सेज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, बच्चे यहाँ करेक्शन है ध्यान देना, दिस इज ग्रेटर देन 3, ओके, सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है ये, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3, राइट, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन एक्स इज ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, परफेक्ट। अब बता दे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब एक्स इज 6, एक्स इज 7, एक्स इज 8 एंड सो ऑन, ग्रेटर देन 3 का मतलब 4, 5 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन से क्या बना 6 ऑनवर्ड्स, सो कैन वी जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, परफेक्ट, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आंसर कर दें, अगर हमें सक्सेस आरएथ, क्योंकि दो दो जगह हमें कैलकुलेट करना है ना, एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, इससे अच्छा हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आर का वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 6 पुट करेंगे, राइट। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर प्लस 1 एंड सो ऑन, राइट। तो बच्चा ये बताओ x इक्वल टू r, मतलब जो rth टॉस है वो 6 आना चाहिए, मतलब वो एक सक्सेस आना चाहिए, एंड बिगिनिंग के जो r माइनस 1 टॉस है वो फेलियर होना चाहिए, सो 5/6 कितनी बार आना चाहिए, r माइनस 1 टाइम्स एंड सक्सेस वंस, एंड ये पैटर्न अब कंटिन्यू करेगा आगे, और हमें क्लियर तो है कि ये gp ही बनाएगा, राइट। तो इसका सम आ जाएगा a अपॉन 1 - r एंड r है 5/6, तो ये है 1/6, ये इसे कर देता है कैंसिल, दिस इज 5/6 होल पावर आर माइनस 1, सिंपल सा रिजल्ट है। एंड इसी की हेल्प से ना आप इसे भी डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, आर की जगह पे अगर आप 3 पुट करते हैं तो 25/36 स्ट्रेट अवे आंसर, राइट। अब बच्चे कंप्लीट करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 होल पावर 5 एंड दिस इज 5/6 होल क्यूब, सिंप्लीफाई करें 25/36 वंस अगेन, क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट another paragraph, it says let u1 and u2 be two urns such that u1 contains 3 white and 2 red balls and u2 contains only 1 white ball, a fair coin is tossed, if head appears then one ball is drawn at random from u1 and is put into u2,
However, if tail appears, then two balls are drawn at random from U1 and put into U2. Now, one ball is drawn at random from U2. Then, आगे हम इस प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका अभी हम एक ट्री स्ट्रक्चर पहले तैयार कर लेते हैं जो सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है एंड उसी के रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, राइट? सो लेट्स जस्ट गो अहेड हियर. 3 white and 2 red balls. बच्चा U1 के पास क्या है? 3 white and 2 red balls. फाइन. अब एक कॉइन टॉस किया गया, अगर उसमें हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी. अगर हेड आया तो इस बैग में से एक बॉल पिक करके हम U2 को दे देते हैं, करेक्ट? अब वो बॉल व्हाइट भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, फाइन. तो यहां आ जाता है, अगर वो सिलेक्टेड बॉल व्हाइट है एंड व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5. और अगर वो एक बॉल रेड है, देन इन दैट केस उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5. अगर हमने व्हाइट को उठा के U2 में डाल दिया, अब U2 के पास कंटेंट क्या रह जाएगा, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन हम U2 से करने वाले हैं ना, तो U2 के पास जो नया कंटेंट क्रिएट होगा वो होगा 2 white, क्योंकि उसके पास पहले से एक व्हाइट बॉल है, तो एक और व्हाइट आ गया, 2 white, राइट? अगर हमने रेड बॉल U2 में डाला तो अब U2 के पास कंटेंट क्या आ गया? 1 red and 1 white. परफेक्ट. एग्जैक्टली उसी तरह से अगर टेल आया तो उस केस में यहां से 2 ball पिक किए जाएंगे. अब वो 2 ball हो सकता है बोथ आर व्हाइट, हो सकता है बोथ आर रेड, और हो सकता है 1 white and 1 red, करेक्ट? अब बताएं 2 white ball के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3c2/5c2. सिंप्लीफाई करके लिख लें, 3c2/5c2. बच्चे 3c2 is 3, 5c2 is 10, इसे हम 3/10 लिख देते हैं स्ट्रेट अवे, फाइन. इस ब्रांच पे आ जाते हैं, 2 red ball का सिलेक्शन, 2c2/5c2, बच्चा दैट इज 1/10, करेक्ट? 1 white and 1 red. Selective white 3 ways. Selective red 2 ways. So that is 6/10, right? 6/10 is the probability. अब अगर अपने 2 white select करके U2 में transfer किया, तो U2 के पास अब content क्या रह गया बच्चे? 3 white रह गया, right? अगर आपने 2 red उसमें transfer किया, तो उसके पास content क्या है? 2 red and 1 white, perfect. And अगर आपने 1 white and 1 red ball transfer किया, तो उसके पास अब content है 2 white and 1 red ball का, done. नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं क्वेश्चन से. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज व्हाइट. अगर हम U2 से व्हाइट बॉल ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो उसके लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है व्हाइट बॉल के सिलेक्शन का, ठीक? तो सबसे पहले तो हम इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं. यहां से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 1, यहां से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यहां से है 1, यहां से है 1/3, और यहां से है 2/3. परफेक्ट. अब बताएं हमें व्हाइट बॉल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी चाहिए. सो सम अप ऑल द पॉसिबल पाथ्स, ओके? इस ब्रांच का बच्चे प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1. फिर इस ब्रांच पे आ जाएं, दिस इज 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2. हियर 1/2 इंटू 3/10 इंटू 1. देन 1/2 इंटू 1/10 इंटू 1/3 एंड 1/2 इंटू 6/10 इंटू 2/3. अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करके लिखना ही है. चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पे. दिस इज 3/10, बच्चा ये है 1/10, तो 4/10 हो गया ओवरऑल. एंड ये 3/20, तो इसे ऐसे लिख देते हैं. एंड ये टर्म है बच्चे 1/60, और ये 12/60 है ना, सो 13/60. अब ओवरऑल हम पूरे को ही 60 कर देते हैं, तो उसके लिए दिस विल बिकम 9 एंड दिस इज 60 हियर. तो बच्चा इससे भी 60 कर देते हैं, दिस विल बिकम 24, राइट? 6 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट. नाउ इफ वी सम देम अप बच्चा, ये है 22 एंड 24, दैट इज 46. 46/60 व्हिच इज 23/30. बच्चे आंसर चेक कर लें, डायरेक्ट है ना? नेक्स्ट वाला देखिए. गिवन दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज व्हाइट, मतलब ये कंडीशन अचीव हो रहा है, देन अंडर दैट सिचुएशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड ऑन द कॉइन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. बच्चे आंसर कैसे करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना है एंड न्यूमरेटर में हमें इस ब्रांच को रखना है, राइट? इनिशियली हेड आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें वे करना है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल. तो आंसर क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में तो आ गया 23/30 एज इट इज, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. अब हमें न्यूमरेटर में सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है, मतलब ये 2 का सम लिखना है, राइट? एंड इन दोनों को हम ऑलरेडी सम कर चुके हैं ना, 4/10 आया था, सो इट इज 4/10. बच्चा ये हो गया कैंसिल 3, सो इट इज 12/23. चेक इट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा.
ए बॉक्स बी वन कंटेन्स वन व्हाइट बॉल एंड थ्री रेड बॉल्स टू ब्लैक बॉल्स. ओके, तीन तरह के, तीन डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं. अनदर बॉक्स बी टू कंटेन्स टू व्हाइट थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स. ए थर्ड बॉक्स बी थ्री कंटेन्स थ्री व्हाइट फोर रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स. If one ball is drawn from each of the boxes B1, B2, B3, then probability that all three drawn balls are of the same color. Direct question बेटा, हमारे पास B1 में चेक कर लें कि किस किस कलर के कितने बॉल्स है. हमारे पास ओवरऑल व्हाइट रेड एंड ब्लैक बॉल्स का प्रेजेंस है. तो B1 के पास है 1, 3 and 2 and B2 के पास है 2, 3 and 4 एंड B3 के पास है बच्चे 3 white, 4 red and 5 black balls. परफेक्ट. हमें कहा गया कि आप तीन बॉल तो ड्रॉ कर रहे हो लेकिन तीनों सेम कलर के ही होने चाहिए, वन फ्रॉम ईच बैग. ठीक, इसका मतलब या तो तीनों ही बैग से हम व्हाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, या तो तीनों से ही रेड लिया जा रहा है, या तो तीनों से ही ब्लैक लिया जा रहा है. राइट, नो अदर पॉसिबिलिटी. अब बता दें व्हाइट फ्रॉम द फर्स्ट बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1 upon, ये भी बता दे B1 के पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 6 है, B2 के पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 9 एंड B3 के पास बच्चे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 इज 1/6 एंड ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 विल बी 2/9 एंड फ्रॉम हियर 3/12. इसी तरह से रेड फ्रॉम बैग 1 विल बी 3/6 एंड देन 3/9 एंड देन 4/12. Then black from all three beta. This is 2/6. We have 4/9 and 5/12. Denominator sabhi ke same hai. To add karna simple work hai. 6 into 9 into 12. Bacha, this is 6. And this is 36. And this is 40. Correct. Bacha, ye dono milke banaye 42. So this is 82. 82 upon 6 into 9 into 12. कैंसिलेशन का स्कोप है तो आप कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लें. सो दिस इज 41 upon 36 into 9, आंसर कर दें. 36 into 9 is 324, राइट, 324. ऑप्शंस चेक कर लें. वी डू नॉट हैव 324 प्रेजेंस इन द डिनोमिनेटर, लेकिन 324 का जस्ट डबल है तो न्यूमरेटर को आप डबल कर दें 82. सो दिस इज द आंसर. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. If two balls are drawn without replacement from a randomly selected box and one of the balls is white and the other ball is red, the probability that these two balls are drawn from box B2 is Bayes' theorem. So, agar hum randomly ek bag ko select karte hain, it can be bag 1, bag 2 or bag 3 and the condition is one of the ball drawn is white and the second one is red. That means draw one white and one red ball. अब कहा गया कि अगर ये कंडीशन अचीव हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में हम ये सारे ब्रांचेस को सम अप करके लिखेंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपेंड थ्रू B2, मतलब हमें इस ब्रांच को न्यूमरेटर में रखना है. राइट, अब प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं. हमें रैंडमली एक बाग का सिलेक्शन करना है, वो इक्वी प्रोबेबल है, तो 1/3, 1/3, 1/3 एंड B1 में से एक व्हाइट एंड एक रेड बॉल का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. B1 का कॉन्टेंट ये है, राइट. अगर हम वन व्हाइट बॉल का सिलेक्शन करते हैं वो हम 1 वे में कर सकते हैं, वन रेड बॉल का सिलेक्शन हम 3 वे में कर सकते हैं. सो here it is 3 upon 6 C2. fine. उसी तरह से अगर हम B2 से करते हैं बच्चे 2 into 3, that is 6 upon 9 C2, right? And here it will be 12 upon 12 C2. बच्चे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. 6 C2 is 6 into 5 upon 2, that is 15. 3/15 is 1/5. 9 C2 is 9 into 8/2, that is 36. 6/36, that is 1/6. 12 upon 12C2, that is 12 into 11 by 2 and that is 6 into 11 and numerator mein hai 12, so that is 2 by 11. Theek hai, sara information aa gaya, answer likh lete hain. It happened through B2 itself, okay. So 1 by 3 into 1 by 6 in the numerator and total branches, this plus 1 by 3 into 1 by 6 plus 1 by 3 into 2 by 11. 1 by 3 to numerator, denominator, dono ke paas present hai. Cancel kar dein. LCM le, simplify kar le bache, you are through with the answer. To ye aap khud complete kar lenge, hai na? Next. Box 1 contains 3 cards bearing the numbers 1 to 3. Box 2 ke paas 5 cards are there. The numbers are 1, 2, 3, 4, 5.
and box 3 contains 7 cards bearing the numbers 1 to 7. A card is drawn from each of the boxes. Let Xi be the number on the card drawn from the ith box. Matlab X1 liya gaya first box se, X2 from the second and X3 from the third box. The probability that X1 plus X2 plus X3 is an odd number. Clear hai hame, 3 number ka summation odd kab aayega? Ya to tino ki tino odd ho, या तो दो इवन एंड एक ऑड हो, राइट? तो बताएं x1, x2, x3 का सम अगर हमें ऑड चाहिए, कैन आई जस्ट राइट केसेस आज ऑल थ्री आर ऑड और टू ऑफ देम आर इवन एंड वन इज ऑड, राइट? उसके लिए आप इस तरह से सारे पॉसिबल परमिटेशंस को मेंशन कर लें, और अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली करें, ठीक? अब बताएं x1 के पास ऑड नंबर कितने हैं एंड इवन नंबर कितने हैं बच्चे? 1, 2, 3 में वी हैव 2 ऑड एंड 1 इवन, एंड इसके पास कितने हैं? 5 कार्ड्स आर देयर, सो 3 ऑड एंड 2 इवन, एंड इसके पास बच्चे 4 ऑड एंड 3 इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है? अब बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम बॉक्स 1, व्हाट विल दैट बी? 2/3, राइट? एंड एन ऑड नंबर फ्रॉम हियर 3/5, एंड एन ऑड नंबर फ्रॉम हियर 4/7, परफेक्ट. अब आ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट केस पे. हमें यहाँ से इवन चाहिए, क्या आ गया? 1/3. हमें यहाँ से भी इवन चाहिए, 2/5, एंड यहाँ से हमें ऑड चाहिए, दैट इज 4/7. इस तरह से आप चारों केसेस को सम अप कर दे बच्चे, यू आर थ्रू विद द आंसर. लिख लेते हैं, बताए 1/3, एंड यहाँ से हमें चाहिए ऑड, सो दैट इज 3/5, एंड यहाँ से हमें चाहिए इवन, सो दैट इज 3/7. एंड लास्ट केस, हमें यहाँ से चाहिए ऑड, दैट इज 2/3, यहाँ से हमें चाहिए इवन, दैट इज 2/5, यहाँ से चाहिए इवन एंड दैट इज 3/7. बच्चा डिनोमिनेटर तो सभी के पास 105 ही है, तो उसे हम एज इट इज लिख देते हैं. न्यूमरेटर देखें, वी हैव हियर 24 एंड दिस इज 8 एंड हियर दिस इज 9 एंड दिस इज 12, ठीक है? तो बच्चा ये हो गया 36 और ये है 17. पुट देम टुगेदर वी गेट 53/105. चेक कर लें, हियर इट इज, ठीक है? अब इसी कॉम्प्रिहेंशन में एक और क्वेश्चन है. देखें द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर 3 नंबर AP में है तो हमें ये तो क्लियर है ना कि 2x2 विल बी x1 प्लस x3, सो x2 इज x1 प्लस x3 बाई 2, ठीक? तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेक करना है. वन, हमें x2 एक इंटीजर ही चाहिए, एंड पर्टिकुलरली x2 शुड बी व्हाट? 1 से लेके 5 के बीच में कुछ आना चाहिए, ठीक? उसके लिए क्योंकि यहाँ डिवीजन बाई 2 हो रहा है तो कन्फर्म्ड है कि x1 प्लस x3 मस्ट बी एन इवन नंबर, राइट? अगर x1 प्लस x3 ऑड आ रहा है तो ये तो अचीव हो ही नहीं सकता. तो फर्स्ट कंडीशन बहुत क्लियर है, x1 प्लस x2 मस्ट बी इवन. फॉर दैट x1 एंड x3 बोथ मस्ट बी ऑड और बोथ मस्ट बी इवन, करेक्ट? ये हो गया. अब नेक्स्ट चीज भी चेक कर लो, x1 प्लस x3 बाई 2 फाइन है, इस कंडीशन के बेस पे एक इंटीजर आएगा, लेकिन क्या हमारे रिक्वायर्ड इंटरवल में आएगा हमेशा? उसके लिए अगर मैं x1 का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ ना, जो कि है 3, एंड x3 का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 7, अगर हम दोनों का एवरेज लेते हैं तो 5 है, तो हाँ, हर हाल में जो x2 यहां से क्रिएट होगा वो 1 से 5 के बीच में ही रहेगा. दैट मींस यू आर फ्री टू जस्ट हैंडल द सिचुएशन बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस कंडीशंस, ठीक है? x2 विल बी ऑटोमेटिकली फॉर्मड. अब हमें x2 फ्रेम करने में मेहनत नहीं करना है, ठीक है? अब बता दें x1 x2 x3 तीन नंबर का सिलेक्शन हो रहा है. x1 कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज, 5 वेज एंड 7 वेज, राइट? फेवरेबल केसेस कितने होंगे? उसके लिए वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन. तो x1 एंड x3 हमें दोनों ऑड चाहिए. बताएं x1 के लिए ऑड पॉसिबिलिटी कितने हैं? 2. x3 के लिए ऑड और ये इवन 1 × 3, 3. बच्चा आंसर 11/105. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, लेट n1 एंड n2 बी नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1 एंड n3 एंड n4 बी नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली इन बॉक्स 2. चूज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, वॉज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल वॉज ड्रॉन रैंडमली आउट ऑफ दिस बॉक्स. द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज दिस, बेस थियरम को इन्वॉल्व करता हुआ है. स्ट्रेट अवे हम डायग्रामेटिक अप्रोच पे ही चलते हैं. वी हैव बॉक्सेस, वी सिलेक्ट ए बॉक्स एट रैंडम और उनके सिलेक्शन की कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब 1/2 एंड 1/2. बॉक्स 1 के पास बच्चे n1 रेड एंड n2 ब्लैक बॉल्स आ देयर, ठीक? और इसके पास n3 रेड एंड n4 ब्लैक बॉल्स आ देयर. क्वेश्चन सेज फाइनली हमने एक रेड बॉल का सिलेक्शन किया, सो ये प्रोबेबिलिटी आ जाता है n1/n1 प्लस n2
और ये है n3 अपॉन n3 प्लस n4. One red ball is being selected. That is the condition. Then it says the probability that it was drawn from box 2. मतलब हमें इस ब्रांच को वे करना है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एंड दैट इज गिवन टू अस एज 1/3. ठीक है, उसके बाद हमें n1, n2, n3, n4 की पॉसिबिलिटीज को जज करना है. तो पहले हम ये प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं. 1/3 इज इक्वल टू बॉक्स 2, मतलब ये ब्रांच, दैट इज 1/2 इनटू, आपको इस वैल्यू को तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है जब ये इक्वी प्रोबेबल होते हैं. ठीक है, लिख के कैंसिल करना चाहो तो आप लिख के करो, अदरवाइज लिखने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज n1, n1 प्लस n2 हाफ n3, n3 प्लस n4. ठीक है, बहुत ज्यादा कोई क्लमजी वर्क आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है चार चार अननोन है और एक ही इक्वेशन क्रिएट होगा, उनके वैल्यूज को तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1, n2, n3, n4. वो चाहे तो आप यहीं से कर सकते हो स्ट्रेट वे वेरीफाई, और बेटर है कि आप अगर इसे क्रॉस करते हैं. दिस इज 3 n3 n3 प्लस n4 दैट इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 अपॉन n3 प्लस n4. उसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये रह जाएगा 2 times, राइट. यहां से हमें वेरीफाई करना बहुत सिंपल लगेगा. चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है. उसके लिए n1 अपॉन n1 प्लस n2 आ रहा है हाफ, ये वाली आ रहा है हाफ, ओके. देन n3 अपॉन n3 प्लस n4 दैट इज 5 अपॉन 20 जो कि है 1/4, 2 times करेंगे तो 1/2, करेक्ट है. ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है. सेकेंड, n1 अपॉन n1 प्लस n2 से आ रहा है 1/3, इस तरफ आते हैं. 6 जो कि 10 अपॉन 60, 1/6, 2 times करेंगे तो 1/3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ देखें 8 अपॉन 14 जो कि सिंप्लीफाई होके देगा 4/7. इस तरफ आए 5 अपॉन 25, 1/5, मतलब ये बन रहा है 2/5 और ये है 4/7, किसी भी तरह से वो इक्वल नहीं हो सकते. उसी तरह से लास्ट वाला चेक कर लें, 6 अपॉन 18 जो कि है 1/3 और इधर आएगा इन फॉर्म ऑफ 2/5, इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देखें. ये कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड इज ट्रांसफर्ड टू बॉक्स 2. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3, मतलब ये ट्रांसफर करने के बाद अगर हम बॉक्स 1 से एक रेड बॉल ड्रॉ करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, देन करेक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 इट सेज. ठीक है, तो इसी सिचुएशन को एक बार डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लोर करके देखते हैं. बॉक्स 1 से हमने एक बॉल को ट्रांसफर कर दिया बॉक्स 2 में. अब हमारे पास बॉक्स 1 के पास जो कंटेंट है वो है n1 रेड एंड n2 ब्लैक बॉल्स. एक बॉल को हमने ट्रांसफर किया, वो रेड भी हो सकता है और वो ब्लैक भी हो सकता है. अगर आपने रेड बॉल को ट्रांसफर कर दिया दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल दैट इज n1 अपॉन n1 प्लस n2, और हो सकता है आपने ब्लैक बॉल को ट्रांसफर कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये, राइट. अगर आपने रेड बॉल को बॉक्स 1 से ट्रांसफर कर दिया है तो अब आपके पास बॉक्स 1 के पास कंटेंट क्या रह गया, n1 माइनस 1 रेड बॉल्स एंड n2 ब्लैक बॉल्स. और अगर आपने ब्लैक को ट्रांसफर किया तो आपके पास ये रह गया, फाइन. आगे क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि इसमें से ये जो हमारे पास नया कंटेंट क्रिएट हुआ है बॉक्स 1 की जो पॉसिबिलिटीज बनी है उसमें से हमने एक रेड बॉल चूज किया और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, n1 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2, और यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी है n1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1. परफेक्ट. अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फाइनली अंडर दिस सिचुएशन इज गिवन टू अस एज 1/3. इसका मतलब बाय समिंग अप ऑल द ब्रांचेस प्रोबेबिलिटीज वी शुड गेट इट टू बी 1/3 टोटल प्रोबेबिलिटी. बेटा व्हाट डू वी गेट, दिस इनटू दिस दैट इज n1 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस n2 एंड n1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक, प्लस ये आ गया बेटा n1 n2 एंड डिनोमिनेटर इज द सेम. तो एक काम करते हैं हम यहीं पे से सम अप कर देते हैं, ठीक है. अब देखें न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है ना. सो n1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2. बच्चा ये तो आज इट इज कैंसिल हो रहा है, ठीक. अब जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो 3n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, हमें n2 का वैल्यू मिल रहा है 2n1. अब चेक कर ले फ्रॉम द ऑप्शंस कौन सा इस कंडीशन को फुलफिल करता है. n2 शुड बी ट्वाइस ऑफ n1, तो n2 शुड बी ट्वाइस ऑफ n1, n2 शुड बी ट्वाइस ऑफ n1, ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस ऑफ इट, परफेक्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, ये क्वेश्चन 2016 में आया था एंड 2022 में मैट्रिक्स मैच के फॉर्म में आया था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन ही है वो, ठीक है. करते हैं पहले. Football teams T1 and T2 have to play 2 games against each other. It is assumed that the outcomes
of the two games are independent. The probabilities of T1 winning, drawing and losing a game against T2 are 1 by 2, 1 by 6 and 1 by 3 respectively. ध्यान से, ये है winning का probability और ये है draw का probability और ये है losing का probability. ठीक है, each team gets 3 points for a win, 1 point for a draw and 0 point for a loss. Let X and Y denote the total points scored by teams T1 and T2 respectively after two games. Number of games भी 2 ही है. कितना easily हम इस situation को study कर सकते हैं. आप देखें, it says जो score है ना T1 का after two games and score of T2 after two games. ये score ज़्यादा होना चाहिए T2 के score से, team 2 के score से. तो आप इस question को बिल्कुल detailing करते हुए भी answer कर सकते हो. और आप इसे directly, in fact you can attempt to try it orally also. Just see. अगर हम टीम 1 का स्कोर ज्यादा चाहते हैं टीम 2 से और दो ही गेम हुए हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो दोनों में ही टीम 1 को सक्सेस मिला हो, लिख लेते हैं. यहाँ पे मैं टीम 1 का डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर टीम 1 को सक्सेस मिला है तो ऑटोमेटिकली टीम 2 के लिए वो फेलियर है, राइट? और अगर टीम 1 के लिए ड्रॉ है तो इसके लिए भी ड्रॉ होगा, और अगर इसके लिए लॉस है देन इन दैट केस गेन है इसके लिए, विन है इसके लिए, करेक्ट? तो हम यहाँ पे T1 का डिस्कशन कर रहे हैं. हो सकता है उसको दोनों में ही विन मिला हो, जिसे हम सक्सेस लिख रहे हैं. उस केस में डेफिनेटली इसका स्कोर इसके स्कोर से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि लॉस के लिए तो बच्चे 0 पॉइंट मिलता है ना, एंड विन के लिए 3 पॉइंट्स, तो स्ट्रेट अवे इसके पास 6 पॉइंट्स आ जाएंगे और इसके पास 0, तो ज्यादा आ गया ना. सेकंड पॉसिबिलिटी विल बी व्हाट, हो सकता है इसको सक्सेस मिला एंड देन ड्रॉ हो जाएगी. तो उस केस में टीम 2 को एक लॉस और एक ड्रॉ मिलेगा, इसका मतलब उसके पास 1 पॉइंट होगा और इसके पास 4 पॉइंट्स होंगे, राइट? और ये भी हो सकता है कि इसको पहले बार में ड्रॉ मिला फिर इसको सक्सेस मिल गया, ठीक है. लेकिन किसी भी हाल में T1 के पास लॉस नहीं आना चाहिए, मतलब फेलियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे इसके पास फेलियर आएगा तो इसका स्कोर 0 बन जाएगा और उसका 3 हो जाएगा, और उसके बाद इसके पास सक्सेस भी आ जाए तब भी इसका स्कोर इसके स्कोर से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. और अगर आप इस तरह का एनालिसिस डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, देन डोंट वरी बेटा, ये कर लो आप. ये देखो T1 के लिए ना, दो गेम के कॉन्टेक्स्ट में, या तो दोनों में सक्सेस मिला हो, या सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस एंड ड्रॉ, और फेल्यूर एंड सक्सेस, फेल्यूर एंड फेल्यूर, फेल्यूर एंड ड्रॉ, ड्रॉ एंड सक्सेस, ड्रॉ एंड फेल्यूर, ड्रॉ एंड ड्रॉ, कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो ही तो स्लॉट है ना, एंड दोनों स्लॉट पे या तो सक्सेस आ सकता है, फेल्यूर आ सकता है, या ड्रॉ आ सकता है. 3 × 3 9 पॉसिबल केसेस, ठीक है. यहाँ पे आप स्कोर देख ले बेटा, सक्सेस एंड सक्सेस के लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा और वाई का वैल्यू क्या आएगा. अगर इसके पास सक्सेस एंड सक्सेस है तो 6 पॉइंट्स आ गए. अगर ये विन किया तो डेफिनेटली टीम 2 हैज लॉस्ट, तो उसके पास 0 आ जाएगा इन टोटल. अगर इसके पास सक्सेस है फिर फेलियर आया, मतलब इसके पास टोटल स्कोर आ गया 3, एंड वाई जो स्कोर बनेगा, सक्सेस T1 को मिला मतलब टीम 2 को फेलियर मिला तो 0, इसको फेलियर मिला तो उसको सक्सेस मिला, इक्वल आ गया ना दोनों का स्कोर. अगर सक्सेस एंड देन ड्रॉ है तो इसका टोटल स्कोर क्या बन जाएगा बेटा, 3 + 1, राइट, दैट इज 4, और उसके पास आ जाएगा फेलियर एंड ड्रॉ, दैट मीन्स 1 पॉइंट. और अगर फेलियर एंड सक्सेस है इसके पास T1 के पास, तो इसका स्कोर आ जाएगा 0 + 3 और उसका आ जाएगा 3 + 0, ठीक. अगर इसके पास दोनों ही फेलियर है तो 0, और टीम 2 के पास 6 होगा स्कोर. फेलियर एंड ड्रॉ के लिए बेटा इसके पास होगा 1, और उसके पास होगा सक्सेस एंड ड्रॉ, दैट मीन्स दैट इज 4 पॉइंट. ड्रॉ एंड सक्सेस के लिए क्या आएगा, 1 + 3, एंड दैट इज 4 पॉइंट, एंड उसके पास आएगा ड्रॉ एंड फेलियर, दैट मीन्स 1 पॉइंट. एंड ड्रॉ एंड फेलियर के लिए इसका स्कोर बन जाएगा आज 1, एंड उसका स्कोर आ जाएगा ड्रॉ एंड सक्सेस, एंड दैट इज 4. ड्रॉ ड्रॉ के लिए इसके पास 2 और इसके पास 2. सिंपल, ये चार्ट बनाते हुए भी आप आंसर कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है. अब यहां से आप देख ले कि x ग्रेटर देन y कब कब बन रहा है. दोनों के पास सक्सेस होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए सक्सेस एंड ड्रॉ, या तो ये वाला केस होना चाहिए ड्रॉ एंड सक्सेस. नो वेयर एल्स दैट x कैन एक्सीड y, ठीक है. अब हम इसका प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं बच्चे. T1 को सक्सेस मिला एंड देन सक्सेस मिला, T1 को सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सो 1/2 × 1/2 प्लस सक्सेस एंड देन ड्रॉ, ड्रॉ की है 1/6, ध्यान से लिखना है. सो दिस इज 1/2 × 1/6 एंड 1/6 × 1/2, तो इसी को मैं 2 टाइम्स कर देती हूँ, ठीक. सो यू हैव 1/4 + 1/6 बच्चे, एड देम, व्हाट डू वी गेट, 12 एज एलसीएम इफ वी टेक, दिस इज 3 + 2 5/12, चेक कर ले, क्लियर है ना. इसका सेकेंड पार्ट देखें बेटा, x इक्वल टू y, आप उस चार्ट से कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. x इक्वल टू y कब आएगा, जब T1 के पास एक सक्सेस एक फेलियर हो, तो उसके पास एक फेलियर एंड एक सक्सेस होगा, तब स्कोर मैच कर जाएगा. या तो इसके पास जो फर्स्ट वाला है वो फेलियर हो और सेकेंड वाला सक्सेस हो, क्योंकि इंटरचेंज तो हो सकता है ना, दो अलग अलग गेम की बात हो रही है, या तो दोनों ही ड्रॉ हो, राइट. आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, दोनों ड्रॉ के केस में इक्वल है, एंड इक्वल यहां पे है
तो ये इक्वालिटी वाला केस है, ये नॉट इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल वाला एक केस ये बना और इक्वल वाला एक केस ये बना, यही हमने लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, सक्सेस इज 1/2, फेल्यूर इज 1/3, एंड यही चीज़ यहाँ पे बस रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, टू टाइम्स हमने कर दिया। ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी है 1/6 एंड 1/6, दैट इज 1/36। बच्चा ये हुआ सिंप्लीफाई, इसे हम 36 कर देते हैं, उसके लिए 12 एंड 36, सो दैट इज 13/36। बच्चा चेक कर लें, हियर इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4 एंड S5 इन ए म्यूजिक क्लास। फॉर देम देयर आर 5 सीट्स R1, R2, R3, R4 एंड R5 अरेंज्ड इन ए रो, वेयर इनिशियली द सीट RI इज अलॉटेड टू स्टूडेंट SI, बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड द सीट्स, ओके। Then the probability that on the examination day the student S1 gets the previously allotted seat R1 and none of the remaining students get the seat previously allotted to him or her. क्या मतलब हुआ बेटा, ये जो S1 है उसको उसके corresponding जो उसका reserved seat है ना वही मिला, that means S1 can be seated only in one way, right? And remaining 4 है एंड 4 चेयर है एंड वो अपने corresponding चेयर पे नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। और डी अरेंजमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, लिख लेते हैं, दैट इज 4 factorial, 4 ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। 1/2 factorial माइनस 1/3 factorial प्लस 1/4 factorial, फाइन, 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 पे ये खत्म होगा। हम कभी भी यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, रादर दिस इज 24/2, 12, 24/6, दैट इज 4, 24/24, दैट इज 1, बचा ये हुआ 9, राइट। एंड टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 5 स्टूडेंट्स का इंटू 5 चेयर्स, दैट इज 5 factorial, 120। तो हमारा आंसर आ गया 9/120। सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स 3/40। बच्चा चेक इट, ठीक है। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर आई इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लेट TI denote the event that the students SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other on the day of the examination. Then probability of the event T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4 is what? Bacha, ye thoda sa confusing aapko lag sakta hai agar आप इसे मैथमेटिकली सोचने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप इसे एज अ रियल लाइफ सिचुएशन की तरह विजुलाइज करके स्टडी करके देखें तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 5 स्टूडेंट्स आर देयर, S1, S2, S3, S4 एंड S5। हमें बस ऐसे अरेंज करना है कि S1 एंड S2 साथ नहीं होना चाहिए, S2 एंड S3 भी साथ नहीं होना चाहिए, S3 एंड S4 भी साथ नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम S4 एंड S5 भी साथ नहीं होना चाहिए, ठीक। वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द कंडीशंस टुगेदर। तो उसको एक तरीका तो ये है कि आप कार्डिनलिटी ऑफ S1 एंड S2 आर टुगेदर, उसको अगर मैं इवेंट ए कंसिडर करूं, S2 एंड S3 आर टुगेदर को इवेंट बी, देन इवेंट सी, इवेंट डी, देन इन दैट केस ऑल व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज दिस, ठीक। ये कैलकुलेट करने के लिए वी नो वी कैन राइट इट एज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट विल बी टोटल अरेंजमेंट जो कि है 120 में से आप कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप कंफर्टेबल है हैंडलिंग दिस, जो कि डिफिकल्ट नहीं है, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 से आता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का ट्रिक आ जाता है जहाँ पे गलती का थोड़ा चांस रह जाता है, और अगर एक जगह पे ये भी गलती हुई ना तो पूरा चीज गलत हो सकता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि यू डू इट बाय दिस, रादर यू डू इट बाय एलिमेंटरी काउंटिंग। जब कभी भी इस तरह के कंडीशंस आ जाते हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो आप मैनुअल काउंटिंग से उसे बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। आप देखें S1 S2 साथ नहीं होना चाहिए, S2 S3 भी साथ नहीं होना चाहिए, S3 S4 भी साथ नहीं होना चाहिए, S4 एंड S5 भी साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी एक पेयर से स्टार्ट कर लेते हैं, S1 S2 अवॉइड करेंगे क्योंकि S1 ना सिर्फ इसी जगह पे है, S5 भी सिर्फ इसी में है, लेकिन S2 इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी है, S3 इसमें भी, इसमें भी, तो हम बेटर है कि इन दोनों में से किसी भी एक से बिगिन करें। लेट मी टेक X2 एंड X3, हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं, हमें सबसे पहले तो ये देखना है S2 एंड S3 को हम कहाँ बिठाएं ताकि वो एडजेसेंट सीट्स पे ना हो, ठीक है। तो केसेस बना रहे हैं ध्यान से और बहुत ही सिंपल है, फिर से बोल रहे हूँ। फर्स्ट केस, हो सकता है हम उन्हें फर्स्ट एंड थर्ड सीट अलॉट कर दें, ठीक है, और इसका रिवर्स भी लिख लेते हैं साथ में ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, S3 यहाँ आ जाए और S2 यहाँ आ जाए, ठीक। अब हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स रिमेनिंग है जिनको हमें अरेंज करना है वो देख लें, S1, S4 एंड S5। एक एक केस को देखें, S2 है बेटा, तो इनमें से यहाँ हम S1 को नहीं रख सकते क्योंकि S1 एंड S2 साथ नहीं होना चाहिए, इधर S3 है तो हम यहाँ पे S4 को भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पे ये जो प्लेस है ना ये क्लोज हो गया S1 एंड S4 के लिए, क्या रह गया ऑप्शन, S5 ही है।
अगर यहाँ S5 आ गया तो हमारे पास क्या बचा है, S1 and S4 to be arranged. S3 के पास S4 नहीं आ सकता, क्या रह गया, S1. तो एक ही अरेंजमेंट इस कैटेगरी का पॉसिबल हुआ. इस केस पे आ जाएं, यहाँ S3 है तो यहाँ S4 नहीं आ सकता, राइट. यहाँ S2 है तो यहाँ S1 भी नहीं आ सकता. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी हैव इज S5. अब S2 है तो यहाँ S1 नहीं आ सकता, सो आउट ऑफ द रिमेनिंग S4. और यहाँ पे रह गया बेटा S1, वन अरेंजमेंट ऑफ दिस कैटेगरी, परफेक्ट. अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, प्लेस वन एंड प्लेस फोर. तो अगर हम S2 को यहाँ पे रखते हैं, दो वैकेंट स्लॉट एंड देन S3 एंड देन ए वैकेंट प्लेस, एंड इसी का हम अरेंजमेंट कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज दिस. ठीक, अब आ जाएं, वही तीन स्टूडेंट्स हमारे पास है और S3 है तो इसके दोनों तरफ S4 तो आ नहीं सकता, तो S4 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी रह गई. ठीक, अब हमारे पास रह गए S1 एंड S5 और दो स्लॉट्स है, देख लें, यहाँ S1 को रखें यहाँ S5 को रखें चलेगा, लेकिन यहाँ S5 एंड यहाँ S1 नहीं चलेगा क्योंकि S4 एंड S5 साथ में आ जाएंगे, बस इतना सा ध्यान में रखना है. तो एक ही पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से मिला, दैट इज S1 एंड S5, करेक्ट. नेक्स्ट, अगर यहाँ S3 है यहाँ S2 है तो बच्चे S2 के दोनों तरफ S1 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ S1 नहीं है यहाँ S1 नहीं है, तो S1 के लिए तो एक ही ऑप्शन रह गया. अब हमारे पास रह गया S4 एंड S5 और दो प्लेसेस है, चेक कर लें, S4 एंड S5 वैलिड है, S5 एंड S4 वो भी वैलिड है, कितने केसेस हो गए, टू केसेस, परफेक्ट. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखो एकदम लिमिटेड केसेस हैं. प्लेस वन एंड प्लेस फोर को हम डील कर चुके हैं, नाउ प्लेस वन एंड प्लेस फाइव. तो अगर S2 यहाँ है एंड S3 यहाँ है, S3 यहाँ एंड S2 यहाँ, प्रोसीड. और हमारे पास जो तीन पर्सन है ना उसमें दो ऐसे हैं जो साथ में नहीं आ सकते, तो क्लियर हो गया कि S1 को इनके बीच में आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो तीन चेयर है वो भी कंजेक्यूटिव है, एडजेसेंट है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट ही क्रिएट हो रहा है, वो ये है. अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पे फिजिबल होगा. S4, S1, S5, S4, S1, S5, ये तो फुलफिलिंग है, सिर्फ यहाँ देखना है S2 एंड S4 फाइन है, S5 एंड S3 वैलिड है. सेकेंड वाला देखें, S5, S1, S4, यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाएगा S4 एंड S3, राइट. तो एक ही केस हमें मिल पाया, दैट इज S4, S1, S5. ठीक, आगे बढ़े, S3 है, S2 है, वही दो पॉसिबिलिटीज ही यहाँ पे आ सकते हैं, चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वन तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया, S3 एंड S4 वो तो आ ही नहीं सकता. S5 ये वैलिड है, ये फाइन है, एंड S4 एंड S2 दैट इज ऑल्सो इज फाइन. तो यहाँ पे भी हमें एक ही केस मिल पाया. ठीक है, अब हमने 1-3 प्लेस, 1-4 प्लेस एंड 1-5 प्लेसेस को लेके एक्सप्लोर कर लिया. अब चलते हैं 2-4 प्लेस. तो यहाँ पे हमने S2 को रखा एंड यहाँ है S3 एंड दीज आर थ्री वैकेंट स्लॉट्स, एंड इसी का अरेंजमेंट वाला केस ले लेते हैं. काउंट करते हैं बेटा, बताएं, सबसे पहले मिडिल वाला चेक कर लो, एक ही मिडिल में है ना, क्योंकि S3 के साथ S4 नहीं आ सकता, S2 के साथ S1 नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या रह गया, S5 ही रह गया ऑप्शन में. अब हमारे पास रह गए हैं S1 एंड S4, S4 यहाँ नहीं आ सकता, उसे यहाँ रखेंगे तो S1 यहाँ जाएगा तो वैलिड है. ठीक, उसी तरह से अगर ये वाला केस है तो S5 को ही आना पड़ेगा यहाँ पे. अब हमारे पास S1 एंड S4 है, यहाँ हम S1 नहीं रख सकते, यहाँ रखना होगा और S4 यहाँ वैलिड है. ठीक, अब आ जाते हैं बच्चे 2-4 प्लेस पे. तो S2 here, S3 और S3, अब आपको दिख रहा हो कि इसके बाद बस एक ही केस हमारे पास रह जाता है, दैट इज 3-5 प्लेस. ठीक है, पहले इसे कंप्लीट करते हैं. तो उसके लिए S2, S2 के सराउंडिंग में S1 नहीं आ सकता, S1 नहीं आ सकता, S1 नहीं आ सकता. जब किसी एक के सराउंडिंग में दो प्लेसेस वेकेंट होते हैं ना, तो वहीं से आप डिस्कशन बिगिन कर लो. S2 के दोनों तरफ S1 नहीं आ सकता, S1 के लिए एक ही ऑप्शन रह गया. यहाँ हमने S1 को प्लेस किया, अब हमारे पास है S4 एंड S5, चेक कर लें, S4 यहाँ, S5 यहाँ वैलिड है, S5 यहाँ, S4 यहाँ वो भी वैलिड है. ठीक, नेक्स्ट केस पे आप आ जाएं, S3 के सराउंडिंग में S4 नहीं आ सकता, तो S4 के लिए यही चॉइस रह गया. अब हमारे पास है S1 एंड S5, S5 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक, तो S1 एंड S5, बच्चे कितने पॉसिबिलिटीज, डन. नाउ लास्ट केस, दैट इज 3 and 5 प्लेसेस फॉर S2 एंड S3. ठीक, क्विकली कंप्लीट करते हैं बच्चे, ये तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके कर रही हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं है. बताएं, S2 एंड S3 के बीच में S1 भी नहीं आ सकता और S4 भी नहीं आ सकता. ठीक, तो S1 एंड S4 तो यहाँ पे रूल आउट हो गए, क्या चॉइस रह गया, S5. अब S1 एंड S4 को हमें यहाँ अरेंज करना है, S1 यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो S1 यहाँ आएगा, S4 यहाँ आएगा, बच्चे कितने अरेंजमेंट हुए, 1. लास्ट केस, S3 एंड S2, सेम, यहाँ पे S1 नहीं आ सकता, S4 नहीं आ सकता, S5 को ही आना होगा, S3 के पास S4 नहीं आ सकता, S1 को आना पड़ेगा, और इधर है S4, बच्चे पॉसिबिलिटीज 1. सम देम अप,
1 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 favorable cases out of a total of 120 arrangements. Answer kya aa gaya? 7/60. Bacha check kar le, 7/60 hamare paas yahan option mein hai. Theek hai bacha. Next, integer type, numerical type put together. First question, of the three independent events E1, E2 and E3, the probability that only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. Let the probability P that none of the events E1, E2 and E3 occurs satisfies the equations thus. All the given probabilities are assumed to lie in the interval 0 to 1. Then probability of occurrence of E1 is to probability of occurrence of E3 is what? इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन अगर आप सही तरह से अटेम्प्ट करें ना, प्रॉब्लम नहीं आ सकती. देखो, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 रेशियो E3. और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, वो है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 ऑकर्स, ओनली E2 ऑकर्स, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है. तो इमीडिएटली बिगिन करें. लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 बी एक्स, एंड E2 के ऑकरेंस को वाई, एंड E3 के ऑकरेंस को हम जेड ले लेते हैं. उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है. अब बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 ओनली, ओनली E1 का ऑकरेंस. तो इन तीन इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा, ऑकरेंस ऑफ ओनली E1 की अगर हम बात करें, तो E1 इज हैपनिंग बट E2 एंड E3 आर नॉट हैपनिंग, राइट. ये हमें दे दिया गया है एज अल्फा, ठीक है. उसी तरह से ओनली E2 इज हैपनिंग, दैट मींस E1 इज नॉट हैपनिंग, E2 इज हैपनिंग एंड E3 इज नॉट हैपनिंग. बच्चे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. क्लियर है ना? दिस इज बीटा. उसी तरह से बच्चे हमें दे दिया गया है ऑकरेंस ऑफ E3 ओनली, दैट मीन्स E1 इज नॉट ऑकरिंग, E2 इज नॉट ऑकरिंग बट E3 इज ऑकरिंग. ये हमें दे दिया गया है गामा. नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी पी दैट नन ऑफ द इवेंट्स आर हैपनिंग, मतलब पी क्या है? E1 इज नॉट हैपनिंग, E2 इज नॉट हैपनिंग, E3 इज नॉट हैपनिंग. परफेक्ट. अब इनमें हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो अंडरस्टूड है कि देयर शुड बी सफिशिएंट टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक, करके देखते हैं. अल्फा माइनस 2 बीटा इनटू पी. बच्चा अल्फा यहां है, बीटा यहां है. अल्फा माइनस 2 बीटा हम कर रहे हैं, डायरेक्टली करते हैं. दोनों में क्या कुछ कॉमन टर्म है? ये है ना. तो अल्फा माइनस 2 बीटा विल बी व्हाट? 1 माइनस जेड को हमने ले लिया कॉमन, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो एक्स माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट भी ओपन कर देती हूं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट इज माइनस 2 वाई प्लस 2 एक्स वाई. ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ पी. पी हमारे पास है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा अल्फा इंटू बीटा. मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एंड देन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड का स्क्वायर. सो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड का स्क्वायर. परफेक्ट. बच्चा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस जेड का स्क्वायर है, ये हो गया कैंसिल, एंड 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ये भी हो गया कैंसिल, और यहाँ पे माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे रह जाता है एक्स वाई. दैट मीन्स ओवरऑल हमारे पास ये क्रिएट हुआ एक्स माइनस 2 वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. बच्चा ये भी कैंसिल हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू 2 वाई. मतलब अगर हमें रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 एंड E2 पूछा गया होता, तो हम यहाँ से आंसर कर लिए होते, ठीक है. लेकिन हमें E1 एंड E3 का रेशियो चाहिए, मतलब हमें जेड के कनेक्टिंग भी रिलेशन चाहिए, ठीक. तो उसके लिए सेकेंड रिलेशन भी आ जाते हैं एक्जैक्टली उसी तरह से. बीटा माइनस 3 गामा, मतलब दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस. बच्चा कॉमन टर्म क्या है दोनों में? 1 माइनस एक्स है, कॉमन ले लिया. सो दिस माइनस 3 टाइम्स डायरेक्टली कर रहे हैं, वाई माइनस वाई जेड माइनस 3 टाइम्स, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, 3 जेड प्लस 3 वाई जेड इंटू पी. पी इज वॉट? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड. बच्चा क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट? 2 बीटा गामा, ठीक है. ये दोनों मल्टीप्लाई होके ट्वाइस ऑफ इट, सो दैट इज 2 वाई जेड एंड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड. दोनों तरफ देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है. 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेट अवे कैंसिल्ड. बच्चा माइनस वाई जेड, 3 वाई जेड मिलके क्या आ गया? 2 वाई जेड. सो ओवरऑल वी हैव वाई माइनस 3 जेड प्लस 2 वाई जेड, एंड दूसरी तरफ है 2 वाई जेड. देख रहे हैं बच्चे सिंप्लीफिकेशन कितना सिंपल, वाई इज इक्वल टू 3 जेड, और हमें रेशियो चाहिए एक्स बाई जेड का, ठीक. और हमारे लिए एक्स है 2 वाई एंड जेड है वाई बाई 3, ठीक. तो ये आ गया आज 6. सिंपल सा है ना?
लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी आंसरिंग दिस, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेकिन थोड़ा सा घुस के तो देखें ना बच्चे, अंदर जाएं तो सही, डाइव तो करें, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा. ठीक, नेक्स्ट. द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स इज एट लीस्ट 0.96. अब बहुत से बच्चों को तो यहाँ पे मीनिंग में, इंटरप्रिटेशन में ही दिक्कत आती है. आप एक एक चीज पढ़ो और उसे मैथमेटिकली लिखते जाओ, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड, लेट इट बी एन, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट या एटमोस्ट सिर्फ बोलने और लिखने के लिए होता है, हमें एग्जैक्ट चीजों की जरूरत होती है कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि एटलीस्ट टू हेड्स, ऑल व्हाट वी मीन इज एग्जैक्टली टू हेड्स प्लस एग्जैक्टली थ्री हेड्स प्लस एग्जैक्टली फोर एंड सो ऑन, राइट. तो इतने सारे केसेस को सम अप करेंगे, उससे बेटर है यू रिमूव व्हाट यू डू नॉट वॉन्ट. ठीक है, सो वी विल डू इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, टू और मोर तो हमें चाहिए. ठीक, अब बताएं 0 हेड, इसका मतलब जो टाइम्स हमने उसे टॉस किया, हर एक बार ये क्या जनरेट किया, टेल ही जनरेट किया. सो 1/2 पावर n माइनस 1 हेड आया है एंड n माइनस 1 स्लॉट्स पे टेल आया है. सो प्रोबेबिलिटी इज किसी एक स्लॉट पे हेड आया है, चूज कर लो, वहां पे आपने हेड से फिल किया एंड रिमेनिंग प्लेसेस टेल से फिल हुआ, करेक्ट. अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज एट लीस्ट 0.96, एट लीस्ट मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96. ठीक, अब हमें n को सॉल्व करना है, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस दिस इज 0.04, उसे हम 4/100 लिख लेते हैं, हम डेसिमल में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं. ये कंबाइन होकर 1/2 पावर n क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में सेम है, ये तो n है ना, तो अगर हम इन दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं, कैन वी जस्ट राइट इट एज n प्लस 1 अपॉन 2 पावर n. ठीक, तो ये होता है बेटा 25 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 पावर n. अब देखो बच्चे, मिक्सचर के ऊपर बेस्ट इनइक्वालिटी है, तो इसे हम डायरेक्टली तो कर ही पाएंगे सॉल्व, इसके लिए हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही करना होगा. तो हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से इन्फॉर्मेशन देगा कि n का वैल्यू बहुत बड़ा नहीं होगा, आप एक के बाद एक n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ट्रेस कर सकते हो उस वैल्यू को, क्योंकि इनमें और कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास डील करने के लिए. ठीक है, तो बिगिन करते हैं. n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरफ जो भी आएगा, n एक नेचुरल नंबर है, तो ये 50 से तो बड़ा ही आएगा, है ना, 2 × 25. तो n का हम वैसे ही वैल्यू लेके बिगिन करेंगे, तो 2 पावर n जो कि 50 से बड़ा हो 64, तो हम वहीं से बिगिन करेंगे. चेक करते हैं, 2 पावर n इज 64, इसका मतलब n इज 6. n इक्वल टू 6 के लिए चेक करिए बेटा, ये तो आ जाएगा 64, वेयर इज n आर 6, दिस इज 7, 25 × 7 वो 64 को क्रॉस कर रहा है, तो ये सैटिस्फाइंग नहीं है. n को एक इंक्रीज करो, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछा है. ठीक है, अगर हम n को 7 लेते हैं, तो ये है 128, ये है 7 + 1 = 8, ये 200, ये भी सैटिस्फाइंग नहीं है. n को एक और इंक्रीज करते हैं, 256 हो गया, ये n का वैल्यू 8 है इसके लिए, तो 8 + 1 = 9, दिस विल मेक इट 225, सैटिस्फाइंग है. तो सबसे छोटा n जो इसे सैटिस्फाई करेगा वो है वैल्यू एज 8. एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन सच क्वेश्चंस. ठीक है, और ये पहली बार नहीं आया है, हम ये 2007 से डिस्कस कर रहे हैं ना, उससे पहले भी कई ओकेजन पे इस तरह के सिचुएशन पे डीलिंग हुई है, और आगे भी आपको मिल जाएगा एक और क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट एस बी सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3×3 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 and 1 एज एस एलिमेंट्स. लेट इवेंट्स E1 and E2 बी गिवन बाय. E1 इवेंट कहता है कि हमें वो मैट्रिसेस लेना है जिसका डेट वैल्यू 0 आए. तो ये तो बच्चा डायरेक्टली आंसर करना मतलब इस गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ आवर टाइम, तो वो क्वेश्चन तो हमसे नहीं पूछा जाएगा. देख लेते हैं क्या पूछा गया है. E2, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इज 7, ये तो हम इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन ने कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी E1 ऑन E2, इसका मतलब हमें देखना है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितने हैं एंड E2 की पॉसिबिलिटीज. E2 की पॉसिबिलिटीज हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आएंगे उस पे. उसके बाद हमें E1 इंटरसेक्शन E2 लेना है, मतलब सम ऑफ एंट्रीज 7 होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद इट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी 0. वो किया जा सकता है इजीली. अब आए सबसे पहले इस कंडीशन पे, E2 पे. अब बच्चे मैट्रिक्स के पास 9 स्लॉट्स आ दिया और हमें सम ऑफ एंट्रीज 7 चाहिए और हम 0 एंड 1 को ही यूज कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया कि 7 वंस आर यूज्ड एंड 2 जीरोस आर यूज्ड, राइट. तो बताएं कितने इस तरह के मैट्रिसेस हम बना सकते हैं 9 स्लॉट्स में, 7 1 एंड 2 जीरोस. सो अरेंजमेंट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट. आप इस तरह से कर सकते हैं कि 9 स्लॉट्स में से किसी 7 को आप चूज करें 9 से 7 वेज में और वहां 1 से भर दे, रिमेनिंग को 0 से भर दे. सो 9 से 7, और यू कैन इवन डू इट एज अरेंजमेंट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच 7 आर आइडेंटिकल व्हिच आर 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल व्हिच आर 0. ठीक है, जैसे भी करना चाहे बच्चे, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं.
दिस इज 9 into 8, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 36, परफेक्ट। तो डिनोमिनेटर में है बच्चे 36, आगे बढ़े। हमें चाहिए इन 36 में से, मतलब 7 1 and 2 0s को यूज करके जो मैट्रिसेस हमने क्रिएट किया है, उन मैट्रिसेस में से ऐसे कितने मैट्रिस होंगे जिनके डेट वैल्यू 0 आएगा, ठीक। तो उसके लिए एक बार तो आपको एनालाइज करना बनता है। लुक एट, हमारे पास 7 1 है एंड 2 0 है, 2 0 है ना, तो 0 को पकड़ लो आप। वो 2 0 की पोजिशन कहाँ हो सकता है? या तो एक ही रो में होगा, या तो एक ही कॉलम में होगा, या तो अलग अलग रो एंड कॉलम में होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है डिस्कस करने के लिए, एक एक को करके देखते हैं। अगर मैं किसी एक ही रो में ना दोनों 0 को प्लेस कर देती हूँ, ध्यान से देखें बच्चे, इस मैट्रिक्स के 2 रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, डेट वैल्यू क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, तो कन्फर्म्ड है। अगर किसी भी एक रो के 2 एलिमेंट्स 0 है, तो उसके रिमेनिंग 2 रो तो कोइंसाइड करेंगे, तो डेट वैल्यू 0 ही आएगा। तो ये हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एक रो को आप सिलेक्ट कर लो, और उस रो के पास 3 प्लेसेस है, उन 3 प्लेसेस में से किसी 2 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लो, वहाँ पे 0 फिल कर दो, बाकी सब 1 से फिल हो गए। मतलब इतने पॉसिबल केसेस है ऑफ दिस कैटेगरी वेयर बोथ द 0s आर प्रेजेंट इन ए सिंगल रो, ठीक। अब आ जाते हैं अगर वो सिंगल कॉलम में है, तब भी तो बच्चा वही बात बन रही है, 2 कॉलम आइडेंटिकल है, इसका मतलब डेट वैल्यू विल बी 0। और उसकी पॉसिबिलिटीज कितने तरह से होगी? सिलेक्ट ए कॉलम, सिलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ इट, फिल 0s एंड रिमेनिंग प्लेसेस ऑफ 1, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, अगर हम 0 को 2 अलग अलग रो कॉलम में प्लेस करते हैं तब क्या होगा? जैसे कि अगर मैं सेकेंड 0 को ना यहाँ प्लेस कर दूँ, तो अब आप देखें क्या वैल्यू ये देगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आएगा वो 1 होगा, ये तो 0 है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है, तो वैल्यू नॉन जीरो ही आ रहा है ना। और अगर आप इसके लोकेशन चेंज भी करके देखें ना, वैल्यू आपको नॉन जीरो ही मिलेगा। तो कन्फर्म्ड है हमें किस तरह का सिचुएशन यहाँ पे चाहिए, कि बोथ द जीरोस मस्ट बी प्रेजेंट इन ए सिंगल रो और इन ए सिंगल कॉलम, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बच्चा ये है 9, ये है 9, टोटल है 18, सो आंसर इज 1/2, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट मॉड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट एक्स, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स की बात हो रही है। ऐसा 6 एलिमेंट्स बी सैम्पल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद एस, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ क्लैरिटी रखें कि जो बी सेट है वो नल सेट नहीं होगा, उसके पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा, और ए सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो बी से ज्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन ने इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ कर रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन वाले पीवाईक्यूज में डिस्कस किया था। तो देखें, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, करेक्ट बच्चे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें नहीं पता ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट्स है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्कशन को आगे तो बढ़ाना ही है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर 6, ए के पास कितने एलिमेंट्स है वो भी हमें नहीं पता आउट ऑफ 6, और ये है, इसको क्वेश्चन ने मॉड ऑफ ए के तरह लिखा है। आप कैसे भी लिखो, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक्स 6 को हमने कर दिया कैंसिल, तो बच्चा यहां से हमें मिल रहा है 6 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, दैट शुड बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, परफेक्ट। और हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे ए एंड बी सेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की पॉसिबिलिटी से एक्सप्लोर करते हैं। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी 0 हो सकता है? अगर ये 0 होगा तो इन दोनों में से किसी ना किसी को 0 बनना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया है कि दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट है। तो अब हमारा डिस्कशन बिगिन होगा, अगर ए एंड बी के पास एक एलिमेंट कॉमन है तब क्या होगा, ठीक। अगर ए एंड बी के पास एक एलिमेंट कॉमन है तो इधर आ गया 6, और ये 6 होने के लिए 1 6 6 1 2 3 3 2 ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है कि जो ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो ज्यादा होना चाहिए बी से, तो हमारे पास 2 ही केसेस रह गए, 6 1 3 2, परफेक्ट। और उसमें भी ये है 1। अब आंसर करते हैं इस कैटेगरी के, हम कितने ए एंड बी क्रिएट कर सकते हैं, एक एक को कैलकुलेट करते हैं, फिर एंड में हम सम अप कर देंगे, ठीक है। तो बताएं, अगर ए इंटरसेक्शन बी 1 है, मतलब दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, एग्जैक्टली एक ही कॉमन है, तो आप सबसे पहले ए सेट को क्रिएट कर लो, ठीक है। ए या बी दोनों में से किसी को भी क्रिएट कर सकते हो, लेट्स जस्ट बिगिन विद क्रिएटिंग ए। ए को हमने लिया, मतलब 6 एलिमेंट्स में से किसी 3 को हमने सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है। अब उन तीन में से एक हम इसको दे देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट तो होना है, तो चूज कर लो इन तीनों में से कौन सा कॉमन एलिमेंट होगा। हमने चूज कर लिया, उसको हमने बी कंटेनर में डाल दिया। अब बी के पास दो एलिमेंट का रिक्वायरमेंट था, एक हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको एक और चाहिए, लेकिन वो एक इन तीन में से नहीं होना चाहिए। तो सिक्स में से जो थ्री एलिमेंट्स ऑलरेडी ए के पास आ चुके हैं, उनके अलावा उसके पास अब तीन एलिमेंट और बच गए हैं, उसमें से एक को उसको लेना है। दैट इज थ्री वेज ऑफ डूइंग और थ्री सी वन यू कैन राइट। ठीक बच्चा, कैलकुलेट कर लें, 6 से 3 इज व्हाट, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टर, सो दैट इज 20, 20 इंटू 9 180। ठीक, आगे बढ़ें, नेक्स्ट केस, अगर इसके पास 6 एलिमेंट्स है, मतलब सभी के सभी इसने ले लिया, बस इसको एक एलिमेंट इसको देना है और इसके पास एक ही एलिमेंट ही होना है, ठीक है। सो चूज वन एलिमेंट व्हिच वन टू गिव दैट सेट व्हिच इज 6। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, अगर ये 2 है तो इन दैट केस ये 12 हो गया बेटा। 12 के लिए बच्चा 1 एंड 12 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 ही एलिमेंट्स है, तो पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी है, 2 एंड 6 वो हम लेंगे नहीं, 6 एंड 2 को हम लेंगे एंड 4 एंड 3 को हम लेंगे, 3 एंड 4 तो हम लेंगे नहीं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, अब आंसर करें, 6 एलिमेंट्स हम ए के लिए ले रहे हैं, 6 ही है हमारे पास, मतलब सारे के सारे हमने ए को दे दिए और उसमें से दो एलिमेंट को उठा के हमने बी को पकड़ा दिया, सो दैट इज 6C2। परफेक्ट, हमें दिख रहा है 61, 62, अब हो सकता है आगे 63, 64 इस तरह का पैटर्न बने, तो बेटर है आप टाइम वेस्ट ना करें इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में और वैल्यू लिखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस क्या है, ए के लिए हम कोई 4 एलिमेंट को चूज करेंगे, तो चूज कर लेते हैं 64 वेज में। बच्चा उसमें से कोई 2 उठा के हम बी को पकड़ा देते हैं, इन हाउ मेनी वेज, इन 4 में से कोई 2 का सिलेक्शन हमने किया, बी को दे दिया। बी को 3 एलिमेंट की जरूरत है, 2 कॉमन एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट तो आ गया, एक एलिमेंट और चाहिए, वो कौन से होंगे, रिमेनिंग 2 में से, क्योंकि 4 एलिमेंट ए के पास आ चुके हैं। दैट कैन हैपन इन 2C1 वे। ठीक है, इसको तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इन्हें रहने देते हैं, ये क्या आ जाएगा बच्चा, 64 दैट इज 15, 15 इंटू 6 इंटू 2, 15 इंटू 12 दैट इज 180। ठीक है, तो ये हुआ 180, इसे हम आज इट इज रहने देते हैं। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, अगर हम इसे 3 लेते हैं तो 6 इंटू 3 18, एक ही पॉसिबिलिटी है, 6 एंड 3 राइट, कितने तरह से ये पॉसिबल होगा बच्चे, पूरे के पूरे 6 एलिमेंट उठा के हमने ए को दे दिया, उसमें से 3 लेके हमने इसे पकड़ा दिया, दैट इज 63। आगे बढ़ें, अगर हम इसे 4 कंसिडर करते हैं तो 6 एंड 4 मतलब 64, देन 5 के लिए 6 एंड 5 सो दैट इज 65। ठीक बेटा, 6 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 6 एंड 6 ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, दैट मीन्स ओ केस हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चीज। बच्चे बता दें 61 से लेके 65 तक का समेशन क्या होता है, 2 पावर 6 माइनस 2। ठीक है, वो 2 किस लिए, 60 एंड 66 के लिए। ठीक है ना बच्चा, 2 पावर 6 का वैल्यू कितना है, 64 माइनस 2 62। बच्चे यहाँ पे ऐड कर दें, टोटल आंसर इज 360 + 62 दैट इज 422। ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल डीलिंग के ऊपर बेस्ट है, किया जा सकता है इजीली। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स ए टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। सिमिलर सा इक्वेशन है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, फाइन, देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड so that the probability of completely destroying the target is not less than something which is not less than 0.95, that means that is greater than equal to 0.95, ठीक है 0.95। और क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर्ड, तो हम नंबर ऑफ मिसाइल को n कंसिडर कर लेते हैं और n का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब बताएं अगर n मिसाइल्स आर फायर्ड एंड एक मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी एट 0.75 एंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड, तो 3 और मोर हिट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब एग्जैक्टली 3 हिट्स और एग्जैक्टली 4, उन्हें सम अप करेंगे, उससे बेटर है यू रिमूव व्हाट यू डू नॉट वांट। ठीक, सो 1 माइनस 0 हिट, मतलब किसी भी मिसाइल ने हिट नहीं किया, दैट मीन्स ऑल आर फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.25, उसे हम लिखेंगे 1/4। ठीक, ऑल आर फेलियर, ऑल एन मिसाइल रिजल्टेड टू फेलियर, माइनस किसी एक पे सक्सेस आया, किस पे सक्सेस आया चूज कर लें, और सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, 0.75 है ना, 3/4 दैट इज हैपनिंग वंस एंड फेलियर इज हैपनिंग एन माइनस 1 टाइम्स, राइट। फिर 2 सक्सेस को भी आप रिमूव कर दो, उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, सो दैट इज 3/4 होल स्क्वायर 1/4 एन माइनस 2। परफेक्ट, हमें ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, तो 1 माइनस 0.95 इज 0.05 दैट इज 5/100, जिसे हम 1/20 ही लिख देते हैं स्ट्रेट अवे, वी वॉन्ट इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सभी को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो 1/4 पावर एन एंड दिस इज
एन सी वन जो कि है एन, थ्री के साथ लिख लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में फोर इंटू फोर पावर एन माइनस वन, फोर पावर एन. एन सी टू इज एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, एंड ये है नाइन, एंड डिनोमिनेटर में आ गया फोर पावर एन. ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वैसे सॉल्व करने का तरीका तो वही है, आपको एन का वैल्यू लेते हुए ही चेक करना है. ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था सेम वे. बच्चा यहाँ पे भी प्लस साइन ये है ना, हमने इन सबको उधर शिफ्ट किया है. अब एलसीएम ले लेते हैं, टू इंटू फोर पावर एन, ये रहेगा बेटा टू, ये है सिक्स एन, ये हो जाएगा नाइन एन स्क्वायर माइनस नाइन एन, एंड दिस इज वन बाई ट्वेंटी, टू को कर देते हैं कैंसिल, एंड फोर पावर एन अपॉन टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं एन के वैल्यूज पुट करते हुए, एन को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं, आपको पता चल जाएगा किस एन के लिए सेटिस्फाइंग है. ठीक है, आप खुद करेंगे. नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू फेयर डाइस ईच विथ फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर ए प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर. ये प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस कम्स आउट टू बी आइदर ए प्राइम नंबर और इट कम्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर. लिख ही लेते हैं, बताएं इनमें से दो नंबर का सम प्राइम आए क्या क्या पॉसिबिलिटी है. इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, दैट्स इट. एंड परफेक्ट स्क्वायर के लिए फोर एंड नाइन. ठीक है, ये हमारे कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है जब ये एक्सपेरिमेंट स्टॉप होगा. तो अगर हम इसे सक्सेस कंसिडर करें ना, तो स्टॉप कब नहीं होगा, जब सम सिक्स आ जाए या एट आ जाए, टेन या ट्वेल्व आ जाए. ठीक है, हम इसे फेलियर कंसिडर कर लेते हैं. और सभी के प्रोबेबिलिटीज हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. पहले देख लेते हैं हमें चाहिए क्या. सपोज दैट सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर. ठीक है, सपोज करना, इसका मतलब ये गिवन कंडीशन है. क्लियर है, डिस्कशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हो रहा है. तो अगर मैं इसे इवेंट ए कंसिडर कर लूं, तो इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, देन वैल्यू ऑफ 14p इज व्हाट. तो जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो एक ऑड नंबर आना चाहिए, उसको हम इवेंट बी कंसिडर कर लेते हैं. क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड दिस. ठीक बच्चा, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक, अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बिगिन करते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना मतलब क्या है, जब हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं ना, वो जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर. सिचुएशन को समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने दो डाइस को रोल किया, मुझे चाहिए या तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए फर्स्ट टाइम में ही, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, वो किसी भी हाल में प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर आने की ही प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है. मतलब व्हेन आई एम टर्मिनेटिंग द प्रोसेस इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर वो नहीं आ रहा है तो उस केस में वो प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए. तो क्या आना चाहिए, इनमें से कोई आना चाहिए. ठीक है, उस केस में अब हमें सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा. अब सेकेंड अटेम्प्ट में या तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो सेकेंड केस में भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, यही आना चाहिए. अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट सीरीज. क्लियर हो रहा है. पहले प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बताएं प्राइम नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. बच्चे 2 आने के लिए 1 एंड 1, दोनों में 1 एंड 1 होना चाहिए, सो दैट इज 1 बाई 36. 3 के लिए 1 2 2 1, 2 बाई 36. 5 के लिए बेटा 1 4 2 3, 3 2 4 1. आप लिख के करना चाहो आप लिख के कर लो. ठीक है, सो हाउ मेनी केसेस, 4. चाहे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ना भी लिखे, सिर्फ नंबर ऑफ केसेस के फॉर्म में लिखे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4, क्योंकि सैंपल स्पेस तो 36 है ही. ठीक, 7 कैसे आएगा बेटा, 1 6 एंड वही रिवर्स होके रुकेगा 6 1, मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटीज. ठीक, 11 आने के लिए 5 6 और उसी का रिवर्स 6 5, मतलब 5 से 6 तक का ही वेरिएशन पॉसिबल है 2. 4 आने के लिए 1 3 एंड उसका रिवर्स 3 1, तो 1 से 3 तक में कितने केसेस हुए, 3 पॉसिबिलिटीज. 9 आने के लिए बेटा 3 6 रिवर्स होगा 6 3, कितने केसेस हुए, 4 पॉसिबिलिटीज है ना. फर्स्ट वाले को देख लो, 3 4 5 6, सो 4 पॉसिबिलिटीज. अगर आप लिख के करना चाहो बिल्कुल लिख के करो, लेकिन करो इसे. तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पहले हम देख लेते हैं क्या आ रहा है बच्चे. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 प्लस 10 12 प्लस 2 प्लस 1 15, राइट. 15 बाई 36 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम टू बी ए प्राइम नंबर. परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखें 7 बाई 36. ठीक, फेलियर के लिए चाहे आप इन दोनों को सम अप करके सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो. ले जस्ट सम देम अप, 15 प्लस 7 22, 36 में से 22 वो केसेस है जो ये जनरेट कर रहे हैं. अगर हमें ये नहीं चाहिए तो कितने केसेस रह गए, 36 माइनस 22 जो कि है 14 बाई 36. सब कुछ है हमारे सामने, आगे बढ़े. पी ऑफ ए मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए,
अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है तो प्राइम भी नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू होगा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हमारे पास सक्सेस आ जाए, और अगर सेकेंड अटेम्प्ट में भी सक्सेस नहीं आया, मतलब फर्स्ट में फेलियर, सेकेंड में फेलियर, एंड अब हमें थर्ड अटेम्प्ट मिला है उसमें हमें सक्सेस मिल जाए, राइट? आप देख सकते हैं इनफाइनाइट जीपी है। बेटा सम क्या आ गया, ए बाई वन माइनस आर, आर क्या है 14/36, बेटा 7/36 एंड दिस इज 22/36, तो बच्चा ये आ गया 7/22 जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब न्यूमेरेटर को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, एंड बी इंटरसेक्शन ए मतलब परफेक्ट स्क्वायर पे टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर एक ऑड नंबर का होना चाहिए, दैट मीन दोनों में इंटरसेक्शन से यही बनेगा कि इट मस्ट गेट टर्मिनेटेड एट एन ऑड नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब बात कर रहा है कि टर्मिनेशन इस जगह पे ही होना चाहिए, बस इसका मतलब हम इसे सक्सेस मानेंगे, और अगर ये नहीं हो रहा तो इनमें से कोई और नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें टर्मिनेशन इसी जगह पे ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है लेकिन इनमें से कोई हो रहा है तो टर्मिनेट तो उसी पे हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, राइट? हमें नहीं चाहिए, तो अगर ये नहीं आ रहा है तो यही होना चाहिए ताकि आगे हमें दूसरा अटेम्प्ट मिल पाए, ठीक है। तो बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बेटा फर्स्ट राउंड में ही सक्सेस आ जाए, दैट मीन्स 4/36, और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये होना चाहिए 14/36 एंड देन ए सक्सेस लाइक दिस। फिर से एक इनफाइनाइट जीपी आ रहा है, सो दिस इज ए बाई वन माइनस आर, आर इज द सेम वैल्यू, सो 22/36 ही है वो, ये कैंसिल हुआ बेटा 4/22, परफेक्ट। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं 4/22, और यहाँ पे हमारे पास है 7/22, ये हुआ कैंसिल, 4/7 इज वैल्यू ऑफ पी, तो बच्चा 14p क्या आ जाएगा, आंसर इज 8, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 1 से 100 तक के एलिमेंट्स है। Let P1 be the probability that the maximum of the chosen number is at least 81 and P2 be the probability that the minimum of the chosen number is at most 40. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दो नंबर का सिलेक्शन करना है, वो रिपीट हो सकते हैं क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर बी एट लीस्ट 81. तो आप इस तरह से करें ना, हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 80, 81, 82, 83, 100, हमें जो मैक्सिमम है ना वो इस रीजन में चाहिए, तो कंफर्म्ड है यहाँ से एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर हमारे पास सिलेक्ट होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम उस रीजन पे लाई करेगा, यस। तो एटलीस्ट वन सिलेक्शन मस्ट हैपन फ्रॉम हियर, तो जब हम एटलीस्ट वन की बात करते हैं तो टोटल माइनस नो सिलेक्शन फ्रॉम देयर, ठीक है। तो बता दें, और हमारा सिलेक्शन तीन नंबर का हो रहा है, ठीक है, तो टोटल क्या आ गया 100 × 100 × 100 विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, रिपीट हो सकता है, माइनस वी डू नॉट वॉन्ट दैट ऑल द थ्री नंबर्स आर फ्रॉम हियर, दैट मीन्स 80 × 80 × 80, परफेक्ट। ये आगे फेवरेबल केसेस आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100 क्यूब, आप इसे 1 माइनस दिस अपॉन दिस कर दे, 80/100 का होल क्यूब कर दे, 0 को कर दे कैंसिल, दिस इज 4/5 का होल क्यूब, बच्चे कैलकुलेट कर ले, दिस इज 64/125 जो कि 61/125, यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं 625/4 × 61/125, बच्चा ये है 5 which is 305/4, और डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, what do we get 7, so that is 25, 6.25, सिंपल है ना। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका P2 के ऊपर बेस्ट है, एंड P2 कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40, तो मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40 का क्या मतलब हुआ बेटा, एट लीस्ट एक नंबर इसमें से सिलेक्ट होना ही चाहिए, होना चाहिए, तभी तो जो दोनों नंबर में से छोटा होगा वो इनमें से कोई होगा, ठीक। तो एटलीस्ट वन नंबर मस्ट बी बिलोंगिंग टू दिस, तो एटलीस्ट वन का डिलिंग कैसे होता है, टोटल माइनस नन, तो हम कोई भी इसमें से लेंगे ही नहीं, तो कहां से लेंगे, इन 60 में से ही लेंगे। तो सेम वे बेटा 100³ − 60³ / 100³, अब आप सिंप्लीफाई करके खुद आंसर कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 से 2000 तक के एलिमेंट्स है। लेट पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और ए मल्टीपल ऑफ 7, देन द वैल्यू ऑफ 500p। अब देखो 2021 में क्वेश्चन आया है, कितना एलिमेंटरी लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये, ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, दैट मीन्स ऑल वट वी आर सपोज टू फाइंड इज मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, आउट ऑफ ए टोटल, क्योंकि हम एक ही नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज 2000। अब बताएं कितने ऐसे नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 और 7 है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 7 माइनस मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7, मतलब मल्टीपल ऑफ द एलसीएम व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 21, परफेक्ट, अपॉन 2000। बच्चे 1 से 2000 में कितने नंबर है जो 3 का मल्टीपल है,
2000 अपॉन 3 का ग्रेटर संजय वैल्यू, 7 के मल्टीपल अपॉन 7 का ग्रेटर संजय वैल्यू, 2000 अपॉन 21 का ग्रेटर संजय वैल्यू, ये तो आप खुद कर लोगे, करेक्ट? सो गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. In a study about a pandemic, data of 900 persons was collected. It was found that 190 persons had symptoms of fever, 220 persons had symptom of cough, 220 had breathing problem, 330 people had this. मतलब clear है कि कहीं ना कहीं हमारा set related discussion हो रहा है. End में देख लें. If a person is chosen randomly from this 900 persons, then the probability that the person has at most one symptom. इनका dealing को ध्यान देना. At most one symptom का मतलब ये है, या तो उसके पास कोई भी symptom नहीं है, या तो उसके पास एक ही सिम्टम है. ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इन दोनों केसेस को ऐड करेंगे, या तो क्योंकि तीन ही सिम्टम रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है ना, फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो एटमोस्ट वन केस के लिए आप रिमूवल से भी कर सकते हैं कि दो सिम्टम वाले केसेस एंड थ्री सिम्टम वाले केसेस को टोटल में से आप रिमूव कर दें. ठीक है, जैसे भी हम करना चाहें, प्रोसीड करते हैं. पहले इन्फॉर्मेशन को स्टडी करें. अगर मैं सिम्टम ऑफ फीवर को एफ कंसिडर करूँ ना, सो आई हैव दिस एज 190 एंड कफ this we have as 220 and breathing problem 220. आगे बढ़ें, 330 people had symptoms of fever or, मतलब union. So fever और cough वाले जो number of people है वो है 330. 300 people cough or breathing, okay, that is 350. And 340 people have fever or breathing. तो fever और breathing के है 340. And 30 people have symptoms of all three. Okay, all three, that means fever, cough and breathing. That is 30. Ab proceed karein. Agar hum acceptance se karna chahte hain, to zero symptom wale cases hume calculate karna padega. Exactly one symptom wale bhi calculate karna padega. Dono hume calculate karna padega. Aur agar hum removal se karte hain, we need to take people having exactly two symptoms. Exactly two symptoms ki baat kar rahe hain hum. Iska matlab kya hua? Jaise ki aap yahan pe dekhein. यह है फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम. जब मैं एग्जैक्टली टू की बात करती हूँ ना, ऑल व्हाट आई मीन इज प्रेजेंट हियर, हियर और हियर. तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ एफ एंड सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ एंड बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड बी माइनस, क्योंकि तीनों के पास ना ये चीज ऐड हो रहा है. तीनों, जब हम एफ इंटरसेक्शन सी लेते हैं तब भी ये इंक्लूडेड है, इसके साथ भी ये इंक्लूडेड है, इसके मतलब तीन बार ये रीजन यहाँ इंक्लूडेड है और हमें वो चाहिए ही नहीं. सो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ सी एंड बी. परफेक्ट बच्चा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हैविंग एग्जैक्टली टू सिम्टम्स और हमें टू और मोर चाहिए, मतलब टू एंड थ्री वाला चाहिए. तो एक्चुअली जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा दैट इज दिस प्लस एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी. तो हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस टू. ठीक है, 900 में से बस हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी आर थ्रू विथ आंसर. फाइन, कंप्लीट करते हैं. बच्चे बताएं, हमें एफ इंटरसेक्शन सी चाहिए. क्या लिखेंगे हम? कार्डिनलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, मैं ऐसे लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ सी माइनस द यूनियन, दैट इज 80. राइट, यहां से बताएं सी इंटरसेक्शन बी, दैट इज C एंड B, इन दोनों को हम सम अप करेंगे, 440 माइनस 350 दैट इज 90. बच्चा यहां से बता दे इंटरसेक्शन, बस इतना ही काम है, इसके बाद तो हमें आंसर ही लिखना है. दैट इज F प्लस B, इन दोनों को हम सम अप करेंगे, माइनस 340 करेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 70. डन बच्चा, यहां पुट कर दें, आंसर इज इन तीनों का सम जो कि है 240 माइनस ट्वाइस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री, मतलब 60, एंड बचा ये आया 180. तो हमारा आंसर आया 900 माइनस 180 अपॉन 900, दैट्स इट. तो आप इसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस 180 अपॉन 900 1 बाई 5 है, तो बचा ये आ गया 0.8. ठीक है ना. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज टू प्लेयर्स P1 एंड P2 प्ले ए गेम अगेंस्ट ईच अदर. इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स ए फेयर डाई वंस, वेयर द सिक्स फेसेस ऑफ द डाई हैव सिक्स डिस्टिंक्ट नंबर्स. लेट एक्स एंड वाई डिनोट द रीडिंग्स ऑन द डाई रोल्ड बाई P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली. इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब जो P1 के पास नंबर आया वो P2 से बड़ा आया, देन P1 स्कोर्स 5 पॉइंट्स एंड P2 0. मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहे कि P1 इज डिक्लेयर्ड एज द विनर. हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था विन, ड्रॉ एंड लॉस का, एक्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन. एंड इफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स इट इज अ ड्रॉ, दोनों को दो दो पॉइंट मिल जाएंगे. अगर वाई ज्यादा है
कंपेयर टू एक्स, इन दैट केस पी टू इज द विनर, मतलब 5 पॉइंट इसे मिलेगा, 0 इसे मिलेगा. लेट एक्स आई एंड वाई आई बी द टोटल स्कोर्स ऑफ पी वन एंड पी टू रेस्पेक्टिवली आफ्टर द आईथ राउंड. ठीक है, तो इसके बेस पे लेट जस्ट आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई टू, इसका मतलब दो राउंड के एंड में जो फर्स्ट प्लेयर है उसका स्कोर शुड बी आइदर इक्वल टू द स्कोर ऑफ द सेकेंड प्लेयर और इट मस्ट एक्सीड इट. ठीक, और इसका सेकेंड पार्ट में एक्सीडिंग का है, तो हम एक काम करते हैं, एक्सीडिंग को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वालिटी को कर लेते हैं, दोनों को सम अप करके ये कर देंगे और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एट वंस आ जाएगा. ठीक है, तो बताएं दो राउंड के एंड में अगर प्लेयर वन इज द विनर, मतलब इसका स्कोर ज्यादा आ रहा है इससे, तो कब पॉसिबल होगा? थोड़ी देर पहले ही हमने चार्ट बनाया था, दो गेम के लिए बनाया था, उस चीज को डायरेक्टली यूज कर लें. तो प्लेयर वन के लिए हम लिख रहे हैं दो गेम में, या तो दोनों में ही उसको सक्सेस मिला होगा, या तो उसे सक्सेस एंड ड्रॉ मिला होगा, या ड्रॉ एंड सक्सेस मिला होगा, यही पॉसिबिलिटीज है. और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? जब P1 का स्कोर P2 के स्कोर को एक्सीड कर जाए. तो जब आप डाई को रोल करते हैं तो उस केस में x इक्वल टू y आता है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6 वेज में पॉसिबल है. x इक्वल टू y की पॉसिबिलिटी 6 है. एंड टोटल हमारे पास 36 रिजल्ट्स आ गया, क्योंकि P1 एंड P2 दोनों ने डाई रोल किया है ना, तो 36 रिजल्ट्स में से 6 है जिनमें दोनों का आउटकम सेम आ रहा है. तो बाकी 30 में दोनों के आउटकम डिफर करेंगे, और जब डिफर करेंगे या तो x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा. दैट मींस 15 केसेस ऑफ x ग्रेटर देन y एंड 15 केसेस ऑफ x लेसर देन y. और आप डायरेक्टली काउंटिंग से भी कर सकते हैं कि हमें दो स्लॉट्स को फिल करना है जिसमें कि ये नंबर बड़ा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो 6 नंबर्स में से कोई दो को सिलेक्ट कर ले, जो लार्जर है यहाँ फिल कर दे, जो स्मॉलर है उसे यहाँ फिल कर दे, दिस इज 15. ठीक है, तो प्लेयर वन के लिए सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिली हमें? 15/36. ठीक है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं उसे. 15/36 विल बी व्हाट बेटा? 3 को हम कर रहे कैंसिल, सो दैट इज 5/12. ठीक, यहाँ लिखते हैं सक्सेस के लिए 5/12 एंड अनदर सक्सेस 5/12. देन सक्सेस 5/12, ड्रॉ के लिए 6/36, दैट इज 1/6, और 12 के फॉर्म में अगर हम लिखें तो 2/12 लिख देते हैं. ठीक, एंड ड्रॉ दैट इज 2/12 इनटू 5/12. बच्चे सम देम अप, 25 + 10 + 10, दैट इज 45/144. 9 हो जाएगा बच्चे कैंसिल, सो 5 एंड दिस इज 16, राइट? तो बच्चा इसका आंसर तो आ गया आज 5/16. तो क्या आप इक्वालिटी को भी यहीं से आंसर कर सकते हैं? एक बार इस तरह से लॉजिकली सोच के देखिए. वैसे तो आपको डायरेक्टली कंप्लीट मेथड से मैंने करना बता ही दिया है. इस तरह से सोचें, जब दो गेम के एंड की हम बात करेंगे, या तो P1 विल बी द विनर, मतलब P1 का स्कोर ज्यादा होगा P2 से, या तो P2 का स्कोर ज्यादा होगा P1 से, या तो दोनों के स्कोर इक्वल होगा. क्या दोनों इक्विप्रोबेबल होंगे? बिल्कुल होंगे, राइट? तो अगर x2 ग्रेटर देन y2 का प्रोबेबिलिटी 5/16 है, तो x2 लेस देन y2 का प्रोबेबिलिटी 5/16 ही होगा. सो पुट टुगेदर कितना आ गया? 10/16. सो 1 - 10/16 करेंगे, दैट इज 6/16. दैट विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर द इक्वालिटी x2 इक्वल टू y2 के लिए. Yes, बेटा. तो अगर हमें दोनों को कंबाइन करना है, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? 5/16 + 6/16 = 11/16. यू कैन वर्क लाइक दैट और यू कैन डू इट बाय द जनरल अप्रोच दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. फाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3, मतलब 3 गेम के एंड में दोनों के स्कोर मैच कर जाए, क्या पॉसिबिलिटी होगी ये बताएं. स्कोर मैच करता है या तो नंबर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर सेम हो, और अगर सेम नहीं बन पा रहे तो ड्रॉ बन जाए, और कोई तरीका तो नहीं है. तो अगर हम 3 राउंड्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है P1 के पास एक सक्सेस है, एक फेलियर है और एक ड्रॉ है, और इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं 3-फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट गेम में ड्रॉ आए, फिर सक्सेस आए, फेलियर है, बस इन्हें आप शफल कर दे. 3-फैक्टोरियल केसेस विल बी देयर टेकिंग केयर ऑफ दिस, व्हिच इज 1 सक्सेस 1 फेलियर एंड 1 ड्रॉ, और तीनों में ही ड्रॉ आ जाए. उस केस में आप देखेंगे प्लेयर वन एंड प्लेयर टू के स्कोर बिल्कुल मैच कर जाएंगे, क्योंकि जब इसको सक्सेस मिला है तो उसे फेलियर मिला है, यही वाला मिला है, और जब इसको फेलियर मिला है तो उसे सक्सेस मिला है, मतलब ये वाला कॉम्पेंसेट हो गया, और ड्रॉ के लिए तो उसका भी ड्रॉ ही रहता है, राइट? आंसर करें आप. 3-फैक्टोरियल मतलब 6 पॉसिबिलिटीज, एंड सक्सेस आए मतलब जब उसने डाई को रोल किया तो उसका स्कोर पी टू के स्कोर से ज्यादा आना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/12, राइट? सो दिस इज 5/12, एंड ये भी 5/12 भी है, एंड ड्रॉ की है 1/6. ठीक है बेटा, इट इज 6 टाइम्स, एंड तीनों ही स्लॉट में ड्रॉ आ जाए, मतलब 1/6 × 1/6 × 1/6 ओवर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आप ओवरऑल एलसीएम लेके करना चाहे वो काम आप कर सकते हैं, और अगर आप दोनों में से कुछ कॉमन लेके करना चाहें, जैसे कि है 144 और ये है बच्चा 36 × 2, मतलब 72 को मैं कॉमन ले सकती हूँ. ठीक, तो यहाँ रह जाएगा 25/2,
और हमने लिया है 72 को कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विथ 3. इजी टू हैंडल, दिस इज 75 प्लस 2, 77, 6 इंटू 72. अब आप चेक कर लें बेटा आंसर, 77 अपॉन 6 इंटू 72 क्या आ रहा है, 432. तो एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन, राइट. अब x3 ग्रेटर देन y3 को तो अब हम केसेस बना के करेंगे नहीं, क्योंकि इक्वालिटी का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है. और हमने ये डिस्कस किया कि 1 माइनस इक्वालिटी मतलब 77 बाई 432, अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये मिलता है कि ये दोनों अनइक्वल है. और जब ये दोनों अनइक्वल है तो या तो ये बड़ा है या यहाँ पे रिवर्स साइन आ जाएगा, एंड दे आर इक्विप्रोबेबल, तो हाफ कर देंगे एंड वी आर थ्रू विथ इट. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के बच्चे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर ले, और जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आया तो उन क्वेश्चंस को आप रिपीट जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले बिल्कुल परफेक्ट हो जाए चीजें. ठीक है, सो वी आर क्लोजिंग दिस डिस्कशन हियर.